नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी लगभग सभी दलों ने कमर कसते हुए चुनावी अखाड़े में अपने सुरमाओं को उतार दिया है। इस पेज में 94 सीटों के लिए मतदान होंगे। भाजपा 46, जदयू 43, वीआईपी 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहीं महागठबंधन की ओर से राजद 56, कांग्रेस 24 और वाम दल 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मनेर सीट के लिए भाजपा ने अपने प्रवक्ता निखिल आनंद को चुनाव में उतारकर मतदेश को दिलचस्प बना दिया है। निखिल साफ सुथरा छवि के उम्मीदवार हैं और मनेर क्षेत्र के विकास को लेकर वे संजीदा हैं। उनका मानना है कि समाज के सभी वर्गों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 20 बसें भेजी गई हैं। राज्य चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने राज्य परिवहन विभाग के बसों को इस कोरोना काल में आम जागरूक का ख्याल कर इस अभियान को चलाया है। भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मोकामा विधायक अनंत सिंह फिर एक मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। उन पर अवैध हथियारों की बरामदगी मामले में 2 आरोप तय हो गए हैं, जिसके लिए उनकी पेशी भी हुई है। उन्होंने आरोप से इनकार कर दिया है। इस संदर्भ में 21 को सुनवाई होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर इस कोरोना संक्रमण काल में सभी पहलुओं पर चुनाव आयोग साकांक्ष है। इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव में पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के रूप में महिलाओं की तैनाती रहने की उम्मीद है। इस बार मतदान केंद्र की संख्या बढ़ाकर 1,06,526 कर दी गई है। पटना प्रशासन ने आज से केवल सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी है। अगले आदेश तक सभी शैक्षिक संस्थानों को बंद रखा गया है। सभी लोगों को SMS के जरिए ही सिनेमा की टिकट भेजी जाएगी। कोरोना नियंत्रण को लेकर सभी स्तरों पर जागरूक रहने की जरूरत है, ताकि इससे फैलने से रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संदर्भ में त्योहारों के मौसम को चुनौती भरा माना है। कोविड गाइडलाइन के पालन के प्रति जागरूक होने की बात उन्होंने की है। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। कल पत्रों की जांच शुरू होगी। पटना स्थित सभी राजनीतिक दलों के दफ्तरों में अब भीड़ भी छटने लगी है। इस बीच बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए नामांकन कर चुके भाजपा उम्मीदवार नितिन नवीन पर 4 थाना क्षेत्र में 5 मामले लंबित है, तो ही मनेर सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर चुके निखिल आनंद पर 1 भी मामला दर्ज नहीं है। डॉक्टर सहजानंद सिंह इस बार IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ये पूर्व में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। डॉक्टर VC राय अवार्ड से भी डॉक्टर सिंह सम्मानित हो चुके हैं। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।